hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Tata Jest, a difficult car but highly compatible. Why? जो इसके अंदर लगना चाहिए अगर वो लगाएंगे तो जबरदस्त कंपैटिबल है. जो किट हमने लगाया, दिस इज मोटोजेन एंड दिस इज BS4. ये रेवोट्रॉन इंजन होने के कारण इसके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट है. इसको अगर हम कामयाब करना है, देखो टाटा की कोई भी गाड़ी को अगर कामयाब करना है तो इसमें मेन चीज़ का जो ध्यान रखना है किट के अलावा वो है आपका डायनेमिक एडवांसर. ये एडवांसर आपका 3 सेंसर पे काम करता है और ये लगने के बाद गाड़ी के अंदर कोई जर्क नहीं, कोई लैग नहीं, किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं. गाड़ी के अंदर वही चाल जो पेट्रोल पे, एंड इवन बेटर देन पेट्रोल. ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है. ये रिड्यूसर है डबल स्टेज का मोटोजेन का, और ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस आपकी फाइनली पम्प हो रहा है, और ये ECM है आपका मेड इन इटली. ये पीछे लगाया हूँ. अब इसके अंदर जो मेन काम किया हूँ मैं इसको कामयाब करने के लिए, एक तो बिना होल किए इंजन में गैस इनलेट दिया हूँ. ये इंजेक्टर के नीचे आप ये स्टील का डिवाइस देख रहे हैं, ये इंजेक्टर के नीचे मैं नेक्सॉन में, जेस्ट में और बोल्ट में लगाता हूँ. यही 3 गाड़ी के अंदर कामयाब है. ये विदाउट पुटिंग एनी होल इन द मैनिफोल्ड, गैस वहीं से जा रहा है जहाँ से पेट्रोल. अल्टीमेट इसकी इतना ऑप्टिमम इसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, मज़ा आएगा. और तीसरा जो इसके अंदर काम किया मैंने, इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं किया. ये सारा सॉकेट टू सॉकेट, कपलर टू कपलर वायरिंग है. ये सारा कपलर टू कपलर है. और चौथा जो इसके अंदर काम किया मैंने, कूलेंट कनेक्शन दिया. ये देखो, यहाँ से आपका कूलेंट पाइप जो है एक बॉटल से जा रहा है और एक नीचे से. ये दोनों पाइप आपका यहाँ पे आपके रिड्यूसर पे आ रहा है. एक काम और किया हूँ मैं आपकी ECM से और आपके डायनेमिक एडवांसर से, ये जो वायरिंग जा रहा है ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है. प्रॉपर स्लीव. ये आपके ECM से भी आपके वायरिंग जो है ये प्रॉपर स्लीव जा रहा है. दिस इज़ द क्वालिटी. भाई मज़ा आएगा गाड़ी एक बार सेट करके कस्टमर का रिव्यू लेने में मेरे को, बिकॉज आई नो दिस इज़ गोइंग टू रन ज़बरदस्त. आज मेरे पास गाड़ियाँ बहुत हैं, करीबन जो है 10-12 गाड़ियाँ मैं लगा चुका हूँ मैं. और ये एक यहाँ इग्निस खड़ी है, ये जेस्ट है, इसके पीछे स्विफ्ट है आपका, इसके आगे कैरेंस है, उसके आगे नेक्सॉन है, उसके आगे एक और गाड़ी है. मतलब गाड़ियाँ काफ़ी हैं. एंड इसके अंदर जो सिलेंडर लगाया हमने, 14 kg का सिलेंडर लगाया, आइए दिखाता हूँ मैं. 14 kg का सिलेंडर है और स्पेस काफ़ी निकल कर आया. अब एक बार चलते हैं CNG पंप और गैस डलवाते हैं. एक गाड़ी और है, बहुत स्पेशल गाड़ी है, मैं दिखाता हूँ, आइए. ये गाड़ी है मेरे पास, ये गाड़ी है मेरे पास किया कैरेंस, और ये गाड़ी औरंगाबाद से आई है किट लगने के लिए, महाराष्ट्र औरंगाबाद. चलो मैं अभी जेस्ट को कवर कर रहा हूँ, एक बार चलते हैं CNG पंप, गैस डलवाते हैं, सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं, आइए. सो दिस इज टाटा जेस्ट, अल्टीमेट फिटिंग विद ऑल एसेसरीज, जेस्ट को कामयाब करने के लिए. एक बार भैया से पूछते हैं फिटिंग कैसा रहा भैया और गाड़ी कैसी चल रही है. जी हाँ, फिटिंग वगैरह तो हम आपसे पहले से ही खुश हैं, एक बार पहले भी काम कराया है तो अब उसी को देखते ही दोबारा आए हैं. इसमें अभी भी बढ़िया फिटिंग हुई है, सारी एसेसरीज जो भी आप बताते हो सब लगाते हो और गाड़ी बढ़िया चल रही है. चलने में मतलब जैसे एक होती है जैसे टाटा जेस्ट है, टाटा बोल्ट, दोनों सेम इंजन है, ये खतरनाक गाड़ी में गिनती होता है. आप कहीं जाओ CNG लगवाने तो वो मना कर देंगे. बहुत सी जगह मैंने फेस किया है, मैं पिछले एक साल से ट्राई कर रहा हूँ, तब जाकर के आपकी मतलब शॉप पे मैंने पहले नेक्सॉन में लगवाई है, उसके बाद जब मुझे भरोसा हुआ तब जाकर के मैं यहाँ उन जेस्ट को ले गया अपने. आज तो दो गाड़ी आपने लगवाई, आप दो गाड़ी लेकर, हाँ, स्विफ्ट, इनकी स्विफ्ट भी लगी है और एक आपकी गाड़ी लगी. हाँ जी हाँ जी, मजा आ रहा है जैसे गाड़ी उठा रहा है. बढ़िया, बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं हो रहा है, पावर से उठ रहा है, ऐसा फील ही नहीं है कि अपने CNG पे है. बढ़िया चल रही है गाड़ी. चलो थैंक यू. रियली दिस मतलब टाटा जेस्ट, टाटा बोल्ट,
ये रेवोट्रॉन इंजन थोड़ा डिफिकल्ट है सीएनजी में। अगर हम केवल डब्बा में जो आता है बॉक्स में वो लगाते हैं किट बॉक्स में, वो मज़ा नहीं है इसके अंदर। इसलिए मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया इसमें। मैं नेक्सॉन में जो बिना होल के इंजन में गैस इनलेट देता हूँ वो इसमें भी दिया मैंने, और कामयाब है। टाटा जेस्ट, बोल्ट और नेक्सॉन में ये चीज़ कामयाब है, बिना होल किए इंजन में गैस इनलेट। अल्टीमेट है, मज़ा आएगा इनको। हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।